अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, इस वक्त मैं बना रही हूँ गुड़ के चावल, और चलें जी आपसे रेसिपी में शेयर करती हूँ। ये गुड़ जो है मैंने इधर पिघलने रख दिया था, गुड़ जो है वो पिघल गया है, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके चूना, ताकि वो जो गंदगंद है वो ऊपर आ जाए। हम उसको फिर साफ करेंगे। ये भी जो गंद आएगा उसको मैं साफ कर लूंगी, और फिर हम बनाएंगे गुड़ के चावल। चावल जो है मैंने लिए हैं 1 पाव, और गुड़ जो है आधा किलो के करीब है। आधा किलो में से थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है। ये देखिए ऊपर जो आ रहा है गंद, मैं इसको निकाल लूँगी, फिर मैं गुड़ को छानूंगी। हाँ जनाब, इतनी गर्मी है, लेकिन क्या किया जाए, काम पकड़ना है। और जब आपका खाने का जिस चीज़ को भी दिल करे आप फटाफट बना लें। तो मेरा दिल कर रहा है इस वक्त गुड़ वाले चावल बनाने को। मुझे कोई वो नहीं है कि सर्दी है तो ही गुड़ वाले चावल बनेंगे, मेरा अभी दिल कर रहा है तो मैं अभी बना रही हूँ गुड़ वाले चावल। और जनाब, गुड़ मैंने पिघला के साफ कर लिया है। अब हम अपनी रेसिपी प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, देखिए हो गई है गरम। अब इसमें हम डाल रहे हैं असली घी, और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 लौंगे और 2 छोटी इलायचियाँ। ये हमने डाल दिया। ये थोड़ा सा कड़कड़ करके बोलने लगे, फिर हम डालते हैं इसमें चावल। शदीद तरीन गर्मी हो रही है और बहुत बुरा हाल है, किचन में खड़े होने को दिल नहीं करता, न पकाने को दिल करता है। क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसके घी की। तो जनाब ये हो गया, अब मैं इसमें डाल रही हूँ चावल। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा पानी। चावल मैंने लिए हैं सेला चावल, और अब हमने इनको रख दिया है गलने के लिए। फिर उसके बाद आपसे मैं मिलती हूँ। ये इसका पानी खुश्क हो गया है, इसमें मैं डाल रही हूँ किशमिश। और इसके साथ ही मैं इसमें अब डाल दूंगी जो हमने गुड़ को पिघलाया था, वो हम डालेंगे। बस ये ज़रा सा जब खुश्क होने लगेगा तो फिर मैं दम पे लगा दूँगी। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। तो भाई, जब जिसका खाने को जो दिल करा करे खाया करें, और ये नहीं सोचा करें कि गर्मी है या सर्दी है, तो ही पकेगी वो डिश। मेरा तो जो दिल चाहता है मैं खा लेती हूँ, मैं ये नहीं देखती। गुड़ के चावल बनते हैं सर्दियों में, लेकिन मेरा अभी दिल कर रहा था तो मैंने अभी बना लिए।